सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मर्लिन हियर। एंड आज मैं आई हूँ अपने पापा के मामू गांव में। आज यहाँ पर रिसेप्शन पार्टी है। सो एक्चुअली ये सेकेंड टाइम है जब मैं ये गांव में आई हूँ। इस गांव का नाम है कतिंग केला। एंड पापा का बचपन यहीं पर गुजरा है। जो मेरी दादी थी वो यहीं रहती थी। पापा लोग छोटे थे क्योंकि जो मेरी दादी है उनके कोई भाई नहीं थे, इस वजह से उनको अपने जो पेरेंट्स था उनका तो ख्याल रखना था, तो वो यहीं पर रहती थी। जब मेरे पापा छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई। उनके बाद पापा दादू ये लोग शिफ्ट हो गए हमारे गांव में। तो पापा भी बड़े होने के मतलब कि बीच में आए नहीं थे। जैसे जब से वो अपने गाँव शिफ्ट हुए उसके बाद वो भी सेकेंड टाइम आ रहे हैं। इसे शिवलिंग, हाँ ये इतना बड़ा शिवलिंग, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा शिवलिंग है। शिवलिंग है, देख सकते हैं आप, कतिंग केला। सो हम यहाँ में अभी रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो वो जो आपको घर दिख रहा है वो पहले राजा का घर हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, बट अभी बहुत पीढ़ियाँ जो गुजर गई है इस वजह से अभी तो मेरे पापा का जो पूरा बचपन इसी गांव में गुजरा है। कुछ बताइए इस गांव के बारे में। मेरा जन्म ही मेरा मामा का घर में हुआ था और ये हम लोग जहाँ खड़े हैं उस राजा का तालाब था, यही हम लोग नहाना धोते थे। यहाँ पर एक बार मैं डूब रहा था लेकिन मेरा मम्मी ने बचा लिया। उस टाइम तकरीबन मैं 2-3 साल का था। और ये जितना बैक साइड में पहाड़ी सब दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग शिकार के लिए जाया करते थे। एक त्यौहार आता है उस टाइम और कुछ मिल जाता है उसको सियाल उल चाहे गीदड़ सबको मार के फिर कंधे में उठा के लाते थे हम लोग और खुशी मनाते थे। कभी कभी एक त्यौहार आता था मुर्गी झाँपने के लिए, तो मुर्गी भी हम लोग झाँपते थे रहर का झाड़ी लेके, छोटे छोटे मुर्गी, और उनको हम लोग चेंज करते थे चिवरा से, मतलब एक्सचेंज करते, हाँ एक्सचेंज करते थे, बाटर सिस्टम था तब। हाँ, और उसके बाद चिवड़ा को हम लोग बांट के फिर खाया करते थे। उस टाइम तो कोई चॉकलेट नहीं था और कोई ऐसी चीज़ खाने वाला नहीं था हम लोग के लायक, फल फ्रूट के अलावा कटहल हुआ, बेर हुआ, उसके अलावा, इसलिए हम लोग उस सबको खाते थे। वैसे ही जैसे हम लोग आए, सबसे पहले मैं लोग हमारा सबसे पहले तो पैर धोए, उनके बाद उसके बाद पानी पीने के लिए दिए। यहाँ का रिवाज है जैसे मेहमान आते हैं तो सबसे पहले एक तो लोटा में पानी देते हैं धोने के लिए, या तो उनका पैर धोया जाता है। पर ऐसे जब पार्टी में जाते हैं तो लोग पैर धोते ही हैं, और ख़ास कर लोग पैर धोते ही हैं, और मतलब वैसे पूरा नहीं, हल्का सा, फिर उसमें तेल लगाते हैं, फिर ऊपर से फिर पानी डालते हैं। कटना सिखा रहे हैं। गांव का पार्टी आने से यही फायदा है, कटनौसी मिलता है खाने के लिए। पापा जो है आज हमें पूरा अपना गांव घुमाया, मतलब अपने जो रिलेटिव्स है और अपने बचपन की यादें वो सब हम सबसे शेयर किए। एंड जैसे वो बताते हैं यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं, यहाँ के पहाड़ थोड़ा अजीब है तो मैंने यहाँ का पहाड़ का नाम रख दिया है टकलू पहाड़। सो यहाँ पे पापा बताते हैं यहाँ में भालू भी रहते थे, अभी भी हैं, बट अभी ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत कम हो गए हैं।
और जैसे कि पहले बाटर से लग रहा है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। 2 बजे का प्रोग्राम था, अब 3:30 होने वाला है। ऊपर से गर्मी इतना ज़्यादा, फिर यहाँ में बहुत सारा पेड़ है, जैसे हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। अभी हम लोग पतड़ी भात खाएंगे। ये जो प्लेट बना हुआ है वो सखुआ का पत्ता का है, झारखंड के लोग जानते हैं। अभी बज रहे हैं 4:45 शाम के, एंड अभी रिसेप्शन होने वाला है, जबकि प्रोग्राम था 2 बजे का। बहुत बोर हो रहे थे गाइस, फाइनली तो फिर चलते हैं रिसेप्शन की ओर। Thanks for watching and I'm ending my video here, and don't forget to like, comment and subscribe. Bye, take care.